इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सीटेन नंबर ऑफ अ फ्यूल। सीटेन एक्चुअली हाइड्रोकार्बन है, C16 और H34, एन हेक्साडेकेन कह सकते हैं इसको हम। तो सीटेन नंबर या सीटेन इंडेक्स या सीटेन रेटिंग, ये सारी टर्म इस्तेमाल की जाती हैं। एक डीजल ऑयल की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि ऐसा डीजल ऑयल जिसमें अगर सिर्फ सीटेन है, यानी C16 और H34 है, तो ये बेस्ट क्वालिटी डीजल ऑयल होगा। और उसका डीजल ऑयल है वो इंजन में उसकी जो बर्निंग है उसको थोड़ा सा अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें तो सिचुएशन कुछ इस तरह है कि फ्यूल यानी डीजल इंजन में इंजेक्ट किया जाता है, तो उसका इंजेक्शन और उसकी बर्निंग यानी के इग्निशन या उसकी कंबस्शन, इनके दरमियान में टाइम लैग या डिले कह लें, ये होता है या हो सकता है। और ये टाइम लैग या डिले जितना कम होगा उतना वो फ्यूल अच्छी क्वालिटी का कंसीडर किया जाएगा। वी आर कंसीडरिंग डीजल ऑयल, पेट्रोल की बात नहीं कर रहे हम, डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, डीजल ऑयल की बात कर रहे हैं, मिनरल डीजल जो कि एक फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की, जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद ये 16 के करीब, 15, 14 उनके जो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो ये जो डिले है कंबस्शन में, ये एक तरह की बैड प्रॉपर्टी, नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पे या लो फ्यूल क्वालिटी का रिजल्ट समझी जाती है। तो एक ऐसा डीजल ऑयल जिसका सीटेन नंबर हाई है वो इस डिले को, इस लैग को जो कि इंजेक्शन और कंबस्शन के दरमियान है, इसको मिनिमाइज करता है। दूसरे लफ्जों में, जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है तो वैसे फॉरन कंबस्शन हो जाए तो दैट इज अ वेरी गुड एफिशिएंसी कंबस्शन। अब इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह अंडरस्टैंड करें कि जब इंजन में ऑयल इंजेक्ट किया जाएगा तो जो फ्यूल है इट विल गो थ्रू द कंप्रेशन, ठीक, और उसी कंप्रेशन में ही डीजल इंजन जो है इट विल इग्नाइट यानी बर्न होगा एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कंप्रेशन। अच्छा, अब जो सीटेन नंबर है या डीजल ऑयल की क्वालिटी है, तो अच्छा डीजल ऑयल वो होगा या हाई सीटेन इंडेक्स या हाई सीटेन रेटिंग वाला डीजल ऑयल वो होगा जिसको जैसे ही इंजेक्ट किया जाए और कंप्रेस किया जाए तो कंप्रेशन के रिजल्ट में वो इग्नाइट कर जाए, उसमें डिले ना हो, उसमें कोई लैग ना आए, यानी यहां कोई स्पार्क या फ्लेम की जरूरत नहीं, सिर्फ कंप्रेशन से ही उसने बर्न होना है। और अच्छा डीजल ऑयल वो होगा जो कंप्रेशन से इग्नाइट हो जाए, उसको रेजिस्ट ना करे, मिनिमम रेजिस्ट करे। प्रॉपर्टी है वो सबसे अच्छी सीटेन में मौजूद है, तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि एक अच्छा डीजल ऑयल जो है वो होगा जो कि हाई सीटेन रेटिंग वाला होगा।
और हाई सीटेन रेटिंग जो है वो एक्चुअली क्या है कि जिस फ्यूल में मिनिमम रेजिस्टेंस हो, मिनिमम रेजिस्टेंस हो किसके लिए, टूवर्ड्स इग्निशन एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन। अच्छा, अब इसको अगर हम ऑक्टेन नंबर के साथ थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये बिल्कुल ऑक्टेन नंबर के रिवर्स या उलट बात चली जाती है कि ऑक्टेन नंबर में हमें हाई ऑक्टेन वाला फ्यूल ऐसा है जिसको जब कंप्रेस किया जाए तो वो उस कंप्रेशन को बर्दाश्त करे और इग्नाइट ना हो, उसको रेजिस्ट करे उस वक्त तक जब तक उसको स्पार्क नहीं मिलता, वो हाई ऑक्टेन नंबर होगा। ऑन द अदर हैंड डीजल इंजन का चूंकि मैकेनिज्म डिफरेंट है तो इसमें स्पार्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा, कंप्रेस होगा तो इग्नाइट होगा एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन। सो कंप्रेशन के रिजल्ट में जो इग्निशन है वो जितना जल्दी हो, जितना उसमें कम डिले हो, जितना उसमें कम लैग हो, ठीक, या जितनी मिनिमम रेजिस्टेंस हो उस फ्यूल की इग्नाइट होने के लिए एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन, वो उतना अच्छा, उतना हाई सीटेन रेटिंग का, सीटेन इंडेक्स का डीजल ऑयल कहलाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सीटेन नंबर। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।